तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने पाकिस्तान को दिखाए बड़े सारे सपने। तो तैयब उर्दवान जो हैं वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं, उनसे भी ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको नेक्स्ट मंथ अपने कंट्री में वेलकम कर रहे हैं। हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि नहीं दुश्मनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं। तो एक तरफ दूसरों को बेवकूफ बनाया जाता है, तो तैयब उर्दवान भी दूसरों को बहुत अच्छे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को। लेकिन उन्होंने जो ये यू टर्न मारा इससे पाकिस्तान हैरान है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो पागल हो चुके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है तुर्की इजराइल और तुर्की इंडिया के रिलेशन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से तुर्की इजराइल और भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर रहा है उसको देखकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिंतित है, और पाकिस्तान का ये मानना है कि जो तुर्की का प्रेसिडेंट है उसने इमरान खान को बेवकूफ़ बना दिया, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी नज़र आ रही है दोस्तों। क्योंकि पता है कि जिस तरीके से तुर्की ने जो इजराइल है या फिर जो भारत है उनके साथ कश्मीर बढ़ाया था और ये कहा था कि जो कश्मीर है उसमें जुल्म हो रहा है, या फिर इजराइल को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि फ़िलिस्तीन में जो इजराइल है वो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन अब खुद जो तुर्की है वो इजराइल और भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और यहाँ पर बिजनेस भी कर रहा है। और ये देख पाकिस्तानी मीडिया अब इमरान खान से पूछ रही है कि बेवकूफ़ कौन बना है। दोस्तों यहाँ पर भी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया गया, और पाकिस्तान जो है अब ये समझ चुका है कि किसी भी देश पे किसी भी देश को अपने साथ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी देश लॉन्ग टर्म के लिए भारत पर पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। और ये तुर्की के साथ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उसने कहा था कि हम तुर्की के साथ रेलवे लाइन स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तुर्की है उसने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना के अब भारत और इसराइल के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लिए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर क्या कहती है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने पाकिस्तान को दिखाए बड़े सारे सपने। मुस्लिम उम्मा का नेता बनने का सपना, एक इस्लामिक चैनल का सपना, और यह भी दिखाया कि हम मुस्लिम उम्मा अगर एक हो जाएं, और उसका लीडर वो तो खुद भी बनना चाहते थे, यहां इमरान खान बनना चाहते थे, खैर अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन सपना जरूर दिखा दिया कि आप मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाओगे, आप मुस्लिम उम्मा के लीडर बन जाओगे और पूरी दुनिया में आपको पूछा जाएगा। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वजीर आजम ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब उर्दवान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं, और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ तुर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब उर्दवान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ तावुन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही ये मैं आपको बाद में बताती हूं, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वीर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब उर्दवान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूं, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की इस सिलसिले में, उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा, खास तौर पर जो फलस्तीन का मामला है, फलस्तीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फलस्तीन पर हमले करता है, उसके खिलाफ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फासिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। गाजी अर्तुगुल देने के बाद तो सारे जैसे पाकिस्तान पागल हो गया, उन्होंने गाजी अर्तुगुल की मूर्तियां लगानी शुरू कर दी, जैसे पता नहीं गाजी अर्तुगुल ने क्या किया। गाजी अर्तुगुल जो था वो दिखाता था, जो शो था टीवी शो था वो ये दिखाता था कि कैसे मुसलमान लड़े दूसरे धर्मों से, तो उनको सिखाया दूसरे धर्मों से लड़ना, और खुद क्या किया उन्होंने, खुद उन्होंने इसराइल के राष्ट्रपति को तुर्की आने की न्योता दे दिया, और इसराइल के राष्ट्रपति ने वो न्योता स्वीकार भी कर लिया। ये न्योता जो विजिट होने वाली है, ये विजिट
फरवरी मिडिल में होने वाली। अब आप देखिए कि अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कोई कंट्री कुछ भी कर सकता है। एक तरफ आप कितनी बड़ी मुनाफकत है कि तैयब एर्दोगान एक तरफ फलस्तीन का मसला उठाते हैं, उनके हक में नारे लगाते हैं, मुसलमानों के लिए झूठ बोलते हैं, वो बहुत बड़ा, वो सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं। अगर ऐसा है, फर्ज कीजिए उनके दिल में वाकई फलस्तीनियों का दर्द है, तो फिर उनको ये सिर्फ इस तरह के फायदों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुदरती गैस चाहिए, उनको अपनी ट्रेड बढ़ानी है, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, तो वो तो कोई हैसियत नहीं रखते ना फलस्तीन के मसले के सामने। तो एक तरफ दूसरों को बेवकूफ बनाया जाता है, तो तैयब एर्दोगान भी दूसरों को बहुत अच्छे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को, हमारे वजीर आजम को, हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को हम खुद बेवकूफ बनाते हैं, उनको बताने की क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, एक तरफ हमारा क्या हाल है कि हम इंडिया के साथ तिजारत के लिए तैयार नहीं है, हम कह रहे हैं कि नहीं दुश्मनी है, हम तो किसी सूरत तिजारत नहीं करेंगे, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये स्लोगन लेकर जाना है वजीर आजम ने आवाम के पास, वो कहते हैं तिजारत नहीं होगी।